नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात मुरैना की करेंगे। ग्वालियर से दिल्ली जा रही स्लीपर बस हादसे का शिकार हुई है। यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस ट्रक में जा घुसी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है, 7 की हालत गंभीर है। सराय छोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। तो ग्वालियर से दिल्ली बस जा रही थी और हादसे का शिकार हुई है। तेज रफ्तार स्लीपर बस शिकार हुई हादसे का। 3 यात्री की मौत हो चुकी है, 7 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, बिजली की बदहाली से मंत्री परेशान है। रात में बिजली व्यवस्था का जायजा लेने के लिए ऊर्जा मंत्री निकल पड़े। आधी रात में जायजा लेने निकले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। रात में डीडी नगर शताब्दीपुरम इलाके में डोर टू डोर जायजा लिया। डीडी नगर और शताब्दीपुरम इलाके में कटौती की शिकायतें लगातार मिल रही थी। पुरानी केबल और फॉल्ट से भी बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को फटकार लगाते हुए केबल बदलने के निर्देश दिए हैं। इलाके में 3 से 5 घंटे रोज कटौती होती है और घोषित के बाद अघोषित कटौती होने से लोग परेशान हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा से अपने अलग अंदाज से सुर्खियों में बने रहते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। रात को दौरा करने के लिए निकले कुछ अलग अलग एरिया का। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अभी भी अगर देखें तो बिजली कटौती और बिजली की बदहाली से लोग परेशान हैं। लगातार इसको लेकर ऊर्जा मंत्री भी अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले एक बड़ी बैठक ग्वालियर में आयोजित की गई थी जिसमें बिजली व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया था और यही वजह कि ग्वालियर में भी अब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को खुद जो है रात बेरात जाकर बिजली की व्यवस्थाओं का जायजा लेना पड़ रहा है। कल रात को भी वो आधी रात के वक्त डीडी नगर शताब्दीपुरम इलाके में पहुंचे जहां लगातार घोषित कटौती की शिकायतें भी मिल रही थी। इसके अलावा बिजली की फॉल्ट ट्रिपिंग की शिकायतें यहां से ज्यादा आ रही थी और यही वजह कि आधी रात के वक्त ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद पहुंचे, अधिकारियों को साथ लेकर पहुंचे। डोर टू डोर उन्होंने शताब्दीपुरम और डीडी नगर इलाके के कई घरों में रात में दरवाजा खटखटाकर लोगों से बिजली के हालात जाने और कई इलाकों में अघोषित कटौती की शिकायतें मिली है कि 3 से 5 घंटे की अघोषित कटौती घोषित कटौती के अलावा अघोषित कटौती हो रही है और ऐसे में जो वहाँ पुरानी केबलें हैं वो भी एक बड़ा परेशानी थी बिजली संकट को लेकर। तो यही वजह कि उन पुरानी केबल्स को सुधारने के लिए ऊर्जा मंत्री ने रात में ही तत्काल अधिकारियों को वहाँ जो मौजूद थे उनको फटकार लगाई कि इतनी पुरानी केबल है तत्काल बदली जाए ताकि बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो पाए। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ ही ग्वालियर में भी जो ऊर्जा मंत्री का गृह नगर है वहाँ बिजली व्यवस्था जो बदहाल हो रही है, जो परेशानी हो रही है लोगों को। कुछ दिन पहले इमरती देवी ने भी अपने डबरा इलाके में बिजली की बदहाली को लेकर ऊर्जा मंत्री से शिकायत की थी और बड़ी नाराजगी भी जताई थी। तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा मंत्री है वो भी अब मजबूर हो रहे हैं कि बिजली कटौती और बदहाली को दुरुस्त करने के लिए खुद उन्हें आधी रात के वक्त सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। हालांकि एक लोगों की तरफ से अच्छी बात भी देखने के लिए मिली कि जब ऊर्जा मंत्री खुद अगर ऐसे हालातों में उनके पास जाते हैं तो लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं संवेदनशील तो है मंत्री, लेकिन बिजली की बदहाली कहीं ना कहीं जनता के साथ अब मंत्री के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। भोपाल से बड़ी खबर है, एमपी में कल से तूफान का असर दिख सकता है। बिपरजॉय का असर राजस्थान के रास्ते एमपी में प्रवेश करेगा। बिपरजॉय ग्वालियर चंबल संभाग सागर और जबलपुर में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में फिलहाल भीषण गर्मी और हल्की बारिश का दौर है। भोपाल धार मिंड सीहोर अलीराजपुर झाबुआ बड़वानी नीमच मंदसौर इंदौर छिंदवाड़ा जबलपुर सागर रतलाम टीकमगढ़ दमोह छतरपुर जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, मध्य प्रदेश में भी तूफान का असर दिखने की बात साफ तौर से कही गई थी और ये कहा जा रहा है अब कल से इसका असर दिख सकता है अलग अलग जिलों में।
बिल्कुल देखिए, भारत के बहुत सारे कोस्टल एरियाज पे बिपर जो है तूफान के जो आने की आशंका है, और उसके चलते जो स्थितियां बन रही हैं उसके चलते हाई टाइड्स जैसी जो स्थिति है वो बन रही है। कम दबाव के एरियाज जो है वो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहे हैं, और जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। बिपर जो है तूफान का जो असर है वो राजस्थान के राज से मध्य प्रदेश में दाखिल हो सकता है। राजस्थान में पहले ही जो मौसम विभाग है उनके द्वारा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी कल से बिपर जॉय का असर दिखने की पूरी संभावना है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो इलाका होगा वो ग्वालियर चंबल का होगा, क्योंकि ये जो बेल्ट है वो राजस्थान की सीमा से, राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ है, और इसके बाद अगर आप देखें तो महाकौशल का कुछ एरिया और बुंदेलखंड की तरफ आप चले जाएं तो सागर का जो कुछ इलाका है वो बिपर जॉय के चलते वहां पर कुछ असर हो सकता है। आंधी तूफान चल सकती है, बारिश भी होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज भी इस दौरान चल रही हैं, तो दोनों ही तरफ देखा जाए तो प्री मानसून एक्टिविटीज और बिपर जॉय का असर है उसको लेके जो मौसम है अब उसमें तब्दीली नजर आएगी। इसके बाद 25 जून से मध्य प्रदेश में मानसून की भी दस्तक हो जाएगी, और तो इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से पहले ही जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है। लोगों को अब बारिश के मौसम के हिसाब से थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अगर आप अपने रेनकोट्स तैयार कर लें, उनको वापस निकाल लें तो वो अब ठीक रहेगा, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटीज तो शुरू हो गई हैं, और बिपर जॉय के चलते जो 25 तारीख से मानसून आने वाला है उसके पहले ही जो बारिश की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए, जब प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू होती है या किसी तूफान का असर होता है तो बिजली गिरने जैसी संभावनाएं, बड़े आंधी तूफान जैसी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, पेड़ों के गिरने की संभावनाएं, खंभों पर कुछ असर होने की संभावनाएं रहती हैं, तो उस हिसाब से भी आपको अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा, अपनी सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। जी ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। जबलपुर से बड़ी खबर है, खबर आपको बता रहे हैं जहां ओयो होटल में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर रेड करने और फिर ब्लैकमेल करने का यह मामला सामने आया है। मामला माड़ोताल थाना इलाके का है, जहां चार लोगों ने खुद को पुलिस बताते हुए रेड मारी और पहले होटल संचालक को धमकाया कि यहां गलत काम चल रहा है, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो इन लोगों ने ग्राहकों की आईडी से नंबर सर्च कर युवकों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक युवक से घर वालों को होटल में जाने की जानकारी देने की धमकी देकर मांगी 2 लाख रुपए की फिरौती, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों को ट्रेस करते हुए नाबालिगों को हिरासत में लिया है। बता दें, पकड़े गए 2 नाबालिग हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपी हैं। वहीं पुलिस ने बड़े गिरोह द्वारा ब्लैकमेलिंग करने की आशंका जताई है। इंदौर से बड़ी खबर है, बजरंग दल पर हुए लाठीचार्ज के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। डीसीपी जोन 3 धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को हटाया गया है। डीसीपी भदौरिया को आरएपीटीसी किया गया है तैनात। बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था, गुरुवार रात को बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। नीमच की बात करेंगे, जहां पर गुस्साई महिला ने थाने के बाहर नोट उड़ाए। कैंट थाने के बाहर 500 रुपए के नोट उड़ाए, शिकायत पर कार्रवाई ना होने से नाराज थी महिला, और महिला ने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। 1 घंटे तक महिला का हंगामा चलता रहा, पुलिस ने नोट इकट्ठा कर महिला को लौटाए। गुरुवार रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला के हंगामे का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। गुस्साई महिला ने थाने के बाहर नोट उड़ाए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। थाने के बाहर 500 रुपए के नोट उड़ाए गए हैं, शिकायत पर कार्रवाई न होने से महिला नाराज थी। महिला ने भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप भी लगाए हैं। ये गुस्साई महिला है जिसने थाने के बाहर नोट उड़ाए हैं, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। रोड पर ये पड़े नोट साफ तौर से दिखाई दिए जा सकते हैं। हालांकि उसके बाद पुलिस ने ये नोट इकट्ठा कर उठाकर महिला को वापस लौटा है। और इधर सिवनी में पीएम आवास योजना का काम करने वाली ठेकेदार कंपनी मोटे कार्लो पर
नगर पालिका परिषद सिवनी ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएम आवास योजना का काम करने वाली कंपनी अधूरा काम छोड़कर भाग गई, जिसके बाद परिषद ने 5,92,00,000 रुपए वसूले। कंपनी ने शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए तैयार किए जा रहे आवास निर्माण में लापरवाही बरती थी। नगर पालिका ठेकेदार कंपनी पर FIR दर्ज कराने के लिए परिषद में प्रस्ताव भी लाने पर विचार कर रही है। ठेकेदार को FIR की परिषद में लाकर FIR और उस पर ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई के लिए उन्हें लिखा गया। तब कहीं जाकर उन्होंने 14 जून को 3,92,00,000 रुपए मूलधन और 2,05,00,000 रुपए ब्याज की राशि नगर पालिका परिषद में जमा करा दी गई है, किंतु हमारी परिषद इस बात से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो दोषी थे कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है, उन दोषियों पर भी कार्रवाई की हम कोशिश करेंगे और परिषद में प्रस्ताव लाएंगे। और अब बात करेंगे मंदसौर की, जहां कोर्ट परिसर के किसान ने परिवार सहित आत्महत्या करने की कोशिश की है। दिव्यांग किसान अपने परिवार सहित पहुंचा और पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। आनंद फानंद में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर परिवार को थाने पहुंचाया, जहां सबके बयान दिए गए। अब जांच के बाद कार्रवाई होगी। किसान परिवार का आरोप है कि उनका पड़ोसी इनके खेत में रास्ता निकाल रहा है। इसकी शिकायत सभी अधिकारियों से की गई, लेकिन सुनवाई नहीं। आज न्यायालय प्रांगण में कुछ 8-10 व्यक्ति आए थे, जिसमें 4-5 महिलाएं थी, एक विकलांग था, रेवास देवड़ा के रहने वाले। उनका कुछ जमीन का विवाद है, बताया कुछ अवैध उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आके आज यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश करी। 5-10 लीटर डीजल ने पेट्रोल ला के अपने ऊपर पूरे परिवार समेत बच्चों बच्ची समेत ऊपर डाला और आत्महत्या करने की कोशिश करी। मौके पर पुलिस आ गई थी और उनको बचा लिया गया। यहाँ श्याम बावरी हैं और एक सामने कंवरलाल कुमावत है। इनका कुछ जमीन का विवाद है, जिसमें आज से करीब एक माह पूर्व तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश किया गया था कि इनके जमीन में रास्ते निकालने का, तो उस पर उन पर कब्जा दिलाया गया था। उसी बात का इनका विवाद है कि बोले जो तहसीलदार साहब ने रास्ता निकलवा दिया है वो गलत निकलवा है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि जो तहसील का जो फैसला है उसको बदला जाए या उस पर दबाव बनाया जाए, इसलिए इनके द्वारा यह प्रयास किया गया। श्योपुर में जनपद पंचायत अध्यक्ष और सीईओ की लड़ाई जारी है। जनपद सीईओ का हटाने की मांग को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष और सदस्य आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इन्होंने सीईओ को हटाए जाने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन जारी रखने की चेतावनी दी। आमरण अनशन के दौरान गर्मी अधिक होने से दो जनपद सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। मामला विजयपुर जनपद कार्यालय का है, जहां सीईओ शैलेंद्र सिंह आदिवासी सदस्य है। उबरिया में पीने के पानी को लेकर जिला मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया गया। आकाश कोट इलाके में 25 गांव के लोग इकट्ठे हो गए। 18 मई से लगातार पानी का संकट है, जिसको लेकर 25 गांव में जल कलश यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से शिक्षक की नौकरी पाने वाले 7 और शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये सभी शिक्षक श्योपुर में कार्यरत थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने वाले इन 4 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त की है। इन 4 शिक्षकों पर FIR दर्ज कराने की तैयारी भी शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि व्यापम वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में अकेले मुरैना से मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में 70% दिव्यांग शिक्षक भर्ती हुए। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। आदि पुरुष फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म एक बार फिर विवादों में आ गई है। हिंदू सेना फिल्म पर बैन की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई। इस बीच लोगों का उत्साह भी नजर आ रहा है। प्रभास कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस दौरान सिनेमाघरों में अनोखे नजारे दिखे। कहीं थिएटर की सीट पर हनुमान जी की तस्वीर नजर आई तो कहीं रामलीला के कलाकार फिल्म देखने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें भोपाल के, यहां भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान के भेष में कलाकार फिल्म देखने के लिए पहुंचे। इन कलाकारों ने ढोलक और मजीरे के साथ रामधुन का पाठ किया और जयकारे भी लगाए।
रायपुर में सिनेमा घर की सीट पर हनुमान जी की तस्वीर रखी गई। अंबिकापुर में भी ऐसा ही नजारा दिखा। रामायण पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों ने भक्ति भाव के साथ देखा। तो एक तरफ फिल्म को लेकर उत्साह है, वहीं फिल्म पर विवाद भी खड़े हो रहे हैं। हिंदू सेना ने आदि पुरुष फिल्म को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और फिल्म पर बैन की मांग की। फिल्म से हिंदुओं की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया और आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की। इससे पहले फिल्म के टीजर पर भी विवाद हुआ था। फिल्म में किरदारों के लुक और पहनावे पर सवाल उठे थे। याचिका में हमने यही कहा है कि जैसे कि आज फिल्म रिलीज हुआ है तो लोगों का रिएक्शन भी देखने को मिला है। सब लोगों ने हालांकि लोग यही बोल रहे हैं कि फिल्म एकदम बहुत गंदी फिल्म बनाई है, हमारे रामायण का भद्दा मजाक उड़ाया गया है, उपहास उड़ाया गया है भगवान श्री राम और रामायण का। और जैसे जैसा करेक्टर हमारा है, भगवान को हम भगवान के रूप में मानते हैं, हनुमान जी को कितना पूजते हैं, उसमें उपहास के रूप में दिखाया गया है। इसलिए हमने माननीय हाईकोर्ट में एक रीट फाइल की गई है जिसमें कि अर्जेंट सुनने का एप्लीकेशन भी दिया गया है कि भाई अर्जेंट इसको सुना जाए और फिल्म पर तत्काल बैन लगाया जाए और सर्टिफिकेट उसका रद्द किया जाए। और जब ये फिल्म का पहले आपने सुना होगा 6 महीने पहले इसका एक रिलीज़ हुआ था ट्रेलर, उस समय भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। उस समय भी हमने सेंसर बोर्ड को भी लिखा था इस फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द किया जाए। आदि पुरुष बड़े बजट की फिल्म है। बताया जा रहा है करीब 600 करोड़ की लागत से फिल्म बनाई गई है और अब फिल्म रिलीज होने के बाद एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि इस बीच फिल्म को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भीषण गर्मी में जब इंसानों के हाल बेहाल हैं तो सोचिए बेचारे बेजुबान जीवों का क्या होता होगा। अनूपपुर से एक ऐसे ही प्यासे सांप का वीडियो देखने को मिला। दरअसल ये सांप एक घर में जा घुसा था जिसके रेस्क्यू के लिए स्नेक कैचर को बुलाया गया। स्नेक कैचर सांप का रेस्क्यू कर रहा था लेकिन सांप को पकड़ने के साथ पहले उसे पानी पिलाया गया। पहले तो सांप छटपटाया लेकिन बाद में वो बोतल से पानी पीते हुए नजर आया। सांप के पानी पीने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और आइए देखेंगे 25 सेकंड में खबर।